Okay, buddies. Hi, everyone. How are you all? कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल है? नमस्ते, सत श्री अकाल, केम चौ, कसा काहे दोस्तों? कल हमने संविधान की बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बहुत मस्त मस्त बातें किए थे. आज उस बातों को हम आगे बढ़ाएंगे. सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों. आ जाइए सब लोग मस्त ने एक नंबर सेक्सी तरीके से. कैसे हो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग? क्या हाल चाल है भैया सबके? बताओ सबसे पहले भैया आपके हाल कैसे हैं और चाल कैसी है? बताओ बताओ क्या हाल और चाल है आपके? सब बढ़िया है? जिंदगी खुशहाल है? नहीं है? बताओ सब बढ़िया है? जिंदगी बढ़िया चल रही है? नहीं चल रही है? बताओ जी. बढ़िया चल रही होगी मैं आशा करता हूँ जिंदगी भैया आप लोगों की. चलिए भाई. ओके जी. सो वेलकम 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 एवरीवन, वेलकम वंस अगेन. मेरे यारों, मेरे दोस्तों, प्याले प्याले बच्चों, सुनो मेरी बात. हमने कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया था कल. हमने पता है क्या पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में? कोई बताएगा क्या पढ़ा था कल हमने? कोई बताएगा? कोई तो बताएगा मेरे को. तो यस, कल हमने देखा था हमारा देश तीन चीजों से चल रहा है. वो तीन चीज कौन सी है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. हमने कल देखा था जो लॉ बनाता है वो है लेजिस्लेचर, जो लॉ चलाता है वो है एग्जीक्यूटिव, और जो डिस्प्यूट सॉल्व करता है वो है जुडिशरी. है ना? हमारा लॉ तीन चीजों से चल रहा है ना, मतलब हमारा देश तीन चीजों से चल रहा है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. जो लॉ बनाता है वो लेजिस्लेचर, जो लॉ चलाता है वो एग्जीक्यूटिव, जो डिस्प्यूट सॉल्व करता है वो जुडिशरी. चलो अब मैं एक शब्द पूछूंगा, आप बताना लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है कि जुडिशरी. ठीक है, बताओगे? चलो ठीक है, बताना. मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, जल्दी से बताओ. चलो जल्दी से बताओ. चलो, पार्लियामेंट किस में आएगा? लेजिस्लेचर में आएगा, एग्जीक्यूटिव में आएगा कि जुडिशरी में आएगा? जल्दी बताओ. पार्लियामेंट किस में आएगा? पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेचर. वेरी सिंपल क्वेश्चन. चलो ओके. मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, एसबीआई किस में आएगा? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस में आएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव में आएगा. बहुत बढ़िया. वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट से बना हुआ है तो वो इसमें आएगा, एग्जीक्यूटिव में आएगा. बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया. छा गए गुरु, छा गए, क्या बात है. बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, वेरी गुड. मेरे को किसी का कॉल आ रहा है, एक मिनट रुकना मेरे दोस्तों. हेलो सर, आर यू इन अ मीटिंग? सर हेलो, सर, आर यू इन अ मीटिंग? कैन वी हैव टू कॉल लेटर? सर कौन बोल रहे हो? सर, वी आर योर सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट. हाँ, क्या बेटा, मोदी सर तो बिजी है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, थोड़ा रात का उनको समय वही है ना उसको टाटा वाया बोल दे थोड़ी बेटा. देर के रात लिए. रात का समय है, थोड़ा समझा करो. रात का समय है. बोल दीजिए टाटा बाय बाय कह क्या दीजिए. गर्लफ्रेंड कह रही है कि नहीं अभी मजा, अभी तो मजा आएगा, अभी रुको कह रही है वो. उनको बोलिए 12 बजे के कॉल इज बाद ऑन में लाउड आएगा. स्पीकर ना सर. आई एम इन अ लेक्चर राइट नाउ, आई विल कॉल यू लेटर. ठीक है. या सो वेन यू फ्रेंड शुड, कैन यू बी शुड कॉल से सर, वी दिस विल टू ओनली कॉल हर, सर. नॉट अस. हाँ यू शुड से दिस टू हर, नॉट अस. अरे आई एम इन अ लेक्चर राइट नाउ, मेरा लेक्चर खत्म होगा 11:15 बजे, तब कॉल करो. ओके बाय. अच्छा, ठीक है. ठीक है, ओके बाय. चलिए भाई. ओके, आइए जी. चलिए अभी ध्यान देंगे एवरीवन. चलिए जी, अभी ध्यान देना. सो यस, मैंने पूछा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस में आएगा, तो यस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस में आएगा, जल्दी बताइए. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आएगा एग्जीक्यूटिव में. बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, ऑसम, सुपर. चलिए, अच्छा मेरे को बताओ, मेरे को बताओ, मेरे को बताओ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये जुडिशरी में आएंगे. पता है तुम लोगों को, होशियार हो, तुम बोलोगे चल चल बाप को मत सिखा. हाँ, तुम लोग बोलोगे इतना आता है हमारे को. बहुत बढ़िया. अच्छा, कलम ने इतना ही पढ़ा था, और कुछ देखा था क्या? कलम ने देखा था कि हमारे देश का स्ट्रक्चर कैसा है. हमने देखा था क्या कि हमारे देश का स्ट्रक्चर कैसा है, यूनिटरी है कि फेडरल है? कलम, हमने पढ़ा था क्या ये कि हमारे देश का स्ट्रक्चर कैसा है, यूनिटरी है कि फेडरल है कि क्या है, फलाना ठिकाना पढ़ा था क्या? तो यस, हमारा बताओ, हमारे देश में दो सरकार है. बहुत बढ़िया, हमारे देश में दो सरकार है, करेक्ट है. ठीक है, हमारे देश में कितनी सरकार है? दो सरकार है. दोनों के बीच में पावर डिवाइडेड है. बहुत बढ़िया, दोनों के बीच में पावर डिवाइडेड है. बहुत बढ़िया. कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है. बहुत बढ़िया. जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है. बहुत बढ़िया, है ना? कोर्ट हमारे इंडिपेंडेंट है. ठीक है, कोर्ट हमारे इंडिपेंडेंट है. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है तो टफ है कि इजी है, रिजिड है कि, भैया मेरे को बताओ, रिजिड है कि फ्लेक्सिबल है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है रिजिड है कि फ्लेक्सिबल है? भैया बहुत रिजिड है. मोदी जी को अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है, बहुत रिजिड है. ऐसा नहीं है, मैंने कल बताया था ना, मोदी जी ने बुला लिया, निर्मला आओ पास में बैठो, इतना आसान है क्या? स्मृति इधर आओ, संविधान को बदलेंगे, पास में बैठो. मोदी जी ऐसा थोड़ी करेंगे. पता चला मोदी जी गाना गा रहे हैं निर्मला के लिए, निर्मला स्मृति पास में तो बैठो, बोलो क्या बात हुई, या बोल नहीं सकते जो आपके साथ हुई, तुझे चढ़ी जवानी जो
मोदी जी ऐसा थोड़ी करेंगे, मतलब संविधान बदलना इतना आसान नहीं है कि मोदी जी ने सबको बुला लिया और अमेंड भी कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत ज्यादा टफ है, यू नो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना क्या है जल्दी बताइए, बहुत ज्यादा टफ है, करेक्ट है, बहुत ज्यादा टफ है, इट्स नॉट इजी एवरीवन, सो इट्स वेरी टफ एक्चुअली। सो ये फेडरल फीचर है, क्या है हमारे फेडरल फीचर, क्या है हमारे फेडरल फीचर कि हमारे देश में दो सरकार है, दोनों के बीच में पावर डिवाइडेड है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना तो टफ है। अच्छा, लेकिन ये तो फेडरल फीचर है, ठीक है, लेकिन यूनिटरी फीचर भी तो है ना, यूनिटरी फीचर भी तो है ना, है ना, एक ही सरकार है, ऐसे भी तो फीचर है, सिटीजनशिप एक ही है ना, आपके पास सिटीजनशिप एक ही है, संविधान आपका एक ही है, इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट, बताओ जरा, इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है इंडिया को कि स्टेट गवर्नमेंट, क्या बात है, इंडिया को रिप्रेजेंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा मेरे को बताओ, ऐसा टॉपिक जिस पे आज तक लॉ नहीं बना उसको पे कौन लॉ बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा टॉपिक जिस पे आज तक लॉ नहीं बना उस पे लॉ कौन बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी 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 बताओ। तो वेरी गुड, ऐसा टॉपिक जिस पे आज तक लॉ नहीं बना, भैंस की आंख, उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, जैसे निब्बा निब्बी, निब्बा निब्बियों पे आज तक लॉ नहीं बना, आज तक लॉ नहीं बना, तो उस पे कौन लॉ बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ, ऐसा टॉपिक जिस पे आज तक लॉ नहीं बना, आज तक लॉ नहीं बना, ऐसे टॉपिक पे कौन लॉ बना सकती है भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है कि नहीं बताओ, है कि नहीं, जैसे ब्रेकअप और पैचअप, इस पे आज तक कोई लॉ नहीं बना कि कितने ब्रेकअप होने चाहिए, कितने पैचअप होने चाहिए, है ना, इस पे आज तक लॉ नहीं बनाया गया, तो इस पे लॉ कौन बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे लॉ जरूर बना सकती है भाई साहब, कौन बना सकती है भाई साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे लॉ बना सकती है। चलिए बहुत बढ़िया, सर आज जूम में ज्वाइन होने के लिए थोड़ा ज्यादा प्रोसेस करना पड़ा, ऐसा क्यों, जूम की मर्जी थी भाई, वो ज्यादा प्रोसेस कराना चाहते थे तुम्हारे से, है ना भाई, पढ़ाई नहीं करनी है, ये फलाना ठिकाने सवाल पूछा लो इनसे, सर जूम में लॉगिन करने के लिए आज हमें ज्यादा प्रोसेस करना पड़ा, ऐसा क्यों, बड़े आते प्रधानमंत्री जैसे सवाल पूछने वाले, जैसे भैया हमारे को इतनी तकलीफ दी सर आपने, क्यों सर, क्यों सर हमारे को इतनी तकलीफ क्यों दी, हद है मतलब यार। चलिए ओके ओके, अभी ध्यान देना जी, हमें तकलीफ नहीं चाहिए, है ना, ओके अच्छा, इमरजेंसी पावर किसके पास है, इमरजेंसी देश में मेरे दोस्तों कौन इमरजेंसी लगा सकता है, मतलब इमरजेंसी का मतलब क्या होता है पता है, इमरजेंसी मतलब कि भाई यू नो सबके फंडामेंटल राइट छीन लिए जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, तो इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है प्रेसिडेंट की परमिशन से, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है प्रेसिडेंट की परमिशन से, तो ये सब यूनिटरी फीचर्स हैं, ये सब कौन से यूनिटरी फीचर, तो इन सारे फीचर्स को देख के ये समझ में आता है कि हमारे संविधान का स्ट्रक्चर बेसिकली फेडरल है सर्टेन यूनिटरी फीचर्स के साथ। अगर आपको एग्जाम में आ गया हमारा संविधान का स्ट्रक्चर कैसा है, बोलो क्या लिखोगे, फेडरल लिखोगे, यूनिटरी लिखोगे, कि बेसिकली फेडरल विद सर्टेन यूनिटरी फीचर, यानी कि कॉजी फेडरल कहते हैं उसको, कॉजी मतलब अलाइक, अलाइक फेडरल, ये फेडरल जैसा है, ठीक है, तो हमारा संविधान बेसिकली फेडरल है, कुछ उसमें यू नो कुछ जो है वो कुछ जो है क्या है बताइए भाई साहब, कुछ जो है वो क्या है बताओ ना, बताते नहीं हो आप लोग, वेरी गुड, कुछ यूनिटरी फीचर है बाकी ऑलमोस्ट फेडरल है। अच्छा अगर आपको आ गया कि कौन से केस में डिसाइड हुआ था, कौन से केस में डिसाइड हुआ था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली फेडरल है विद सर्टेन यूनिटरी फीचर, कौन से केस में डिसाइड हुआ था बताओ, तो यस वेरी गुड, केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इज द राइट आंसर, वंडरफुल एवरीवन, केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इज द राइट आंसर, वेरी गुड गाइस, सो प्राउड ऑफ यू ऑल, सो प्राउड ऑफ यू ऑल, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, चमन प्राश खा रहे हो क्या भाई, इतनी अच्छी याददाश्त हो गई है तुम्हारी, हैं, क्या बात है भाई, मजा आ गया। चलो कुछ क्वेश्चन पूछूं, अभी तो कुछ नया नहीं पढ़ा है, वही चल रहा है, बट कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो दोगे आंसर दोगे, चलो देखते हैं भाई, इसे टफ क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई देखते हैं किसी को बनता है तो, ठीक है पूछूं जी, चलिए पूछते हैं जी, चलो ओके, मुझे बताओ आप लोग जल्दी से, ठीक है बताओगे, चलो बताओ पूछो ना, चलो वेरी गुड, पार्लियामेंट में कौन से दो हाउस हैं बताओ, चलो
पार्लियामेंट में कौन से दो हाउस है, जल्दी बताओ, पार्लियामेंट में कौन से दो हाउस है, जल्दी से बताओ, तो लोकसभा और राज्यसभा। क्या बात है भाई, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने हाउस होते हैं मैक्सिमम, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम कितने हाउस होते हैं जल्दी बताओ, सबको कमेंट करना है भाइयों, सारे कह रहे हैं दो हाउसेस होते हैं, अबे तो नाम भी बताओ उसका, नाम भी तो बताओ। यस, विधानसभा और विधान परिषद। क्या बात है यार, छा गए गुरु, गुरु छा गए आप लोग, चलिए वंडरफुल एवरीवन। यहां तक हमने कल पढ़ा था, आज हम नया शुरू करते हैं, आ जाओ भाई। आपको पता है पैदा होते ही आपको क्या मिलता है, बताओ, जैसे ही पैदा होते हैं क्या मिलता है, जैसे ही पैदा होते हैं तो क्या मिलता है, फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। पैदा होते हो तो हंसते हंसते होते हो कि रोते रोते, जनरली 99% बच्चे रोते रोते पैदा होते हैं, ठीक है, ऐसे रोते हैं, आ, आ, सर कौवा थोड़ी चिल्ला रहा है बेटा, ऐसे ही रोते हैं वो, मैंने देखा है, तुमने देखा है कि मैंने देखा है बच्चों को पैदा होते, मैंने देखा है ना, तुम कहां से देखोगे, अभी तुम्हारी उम्र हुई है बच्चों को पैदा हुआ देखने, मैंने देखा है, मैं देखता हूँ बच्चों को पैदा की, ठीक है, मेरा तो सपना है बच्चा पैदा करना, अरे मेरा मतलब है कि मेरा सपना है ये कि बच्चे पैदा होते हुए देखना, ये मेरा सपना है ना, तुम्हें पता है मैंने तो घर में कह दिया भाई कि पहले मैं बच्चा करूंगा बाद में शादी, पहले बच्चा करूंगा बाद में शादी, है ना जी, क्योंकि मेरे को ना बच्चे बड़े पसंद है। चलिए जी ओके, अभी ध्यान देना, अभी ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना, हार्दिक पांड्या बनेंगे अपन, हार्दिक पांड्या बनेंगे मस्त ने एक नंबर अपन, ठीक है ना, चलिए ओके, नाउ ध्यान देना गाइस, नाउ ध्यान देंगे गाइस सभी लोग। बच्चा रोते रोते पैदा होता है, ठीक है, रोता है वो, रोते रोते पैदा होता है वो, बराबर है, ठीक है, कई लोग कहेंगे सर ऐसे नहीं रोता, तो बच्चा बेटा लेडीज समान थोड़ी रोएगा, ऐसे थोड़ी रोएगा, मतलब वो अपने अपने टोन है, ये भी हक किसने दिया, रोने का हक भी किसने दिया, आपको पता है, आप रोते रोते पैदा होते हैं ये भी हक किसने दिया आपको, संविधान ने दिया है, आप है ना, कई लोग कहेंगे सर नर्स की गोदी में पैदा होते हैं, वेरी गुड बेटा, नर्स की गोदी में होते हो पैदा, लेकिन रोते रोते होते हो, रोते रोते पैदा होना भी हक संविधान ने दिया है। सर क्या बकवास कर रहे हो, अगर संविधान हक नहीं देता तब भी रोता, अरे बेटा लेकिन संविधान ने कहा रोना अलाउड है, हंसना अलाउड है, अब हंस सकते हो रो सकते हो। अच्छा मेरे को बताओ, मैं टी शर्ट उतार के पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ा सकता हूँ क्या, ये इतना बोलो, मैं डेट, बड़ी गर्मी लग रही है, बड़ी गर्मी सी लग रही हो, बड़ी गर्मी सी हो रही है भाई, टी शर्ट उतारना चाहता हूँ भाई, बोलो, आज बना देते हैं क्लास को रोमांटिक, एकदम आज क्लास को रोमांटिक बना देते हैं, बोलो है। शांतनु कमीना कह रहा है अगरबत्ती दिखोगे, बेटा तेरी तो मोमबत्ती निकाल के तेरे हाथ में दे दूंगा, ज्यादा बात किया तो, अभी ध्यान से सुनो, चलिए ओके, तो मेरे को बताओ क्लास को थोड़ी सी रोमांटिक बनाते हैं, बोलो बोलो है, तो भाई मैं टी शर्ट उतार के पढ़ाना चाहता हूँ, मेरे को सिर्फ इतना बोलो मैं पढ़ा सकता हूँ क्या टी शर्ट उतार के, आंसर इज, आंसर इज, देखो लड़के उतार सकते हैं, कानून में लड़कों को अलाउड है, लड़के कर सकते हैं भाई, ठीक है ना जी, तो कुछ बातें हैं हमारे कानून में लिखी हुई कि क्या दिखा सकते हैं आप, क्या पब्लिकली क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कानून है हमारे देश में, फंडामेंटल राइट आपको बहुत सारे अधिकार देते हैं, जैसे आप हंस सकते हो रो सकते हो, अपनी मर्जी का पहन सकते हो, जब सोना है सो सकते हो, जब नहाना है नहा सकते हो, कितने लोग हैं अपनी क्लास में जो नहीं नहाते हैं ज्यादा, मतलब कभी कभी नहाते हैं, कभी कभार नहाते हैं, अदिति शुक्ला कभी कभार नहाती, छीत दूर रहना इससे, सब लोग दूर रहेंगे, तुषार मैं नहीं हूं सर, दिव्या भाई मैं रोज नहाता हूँ भाई, मेरे को नहाने से बड़ा प्यार है, नहाने में बड़ा मजा आता है। अच्छा कई लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं नहाते, देखो सबकी मर्जी है भाई, सबकी मर्जी है। अच्छा कितने लोग हैं जिनको सोना बड़ा पसंद है, जितना सुला लो सो जाएंगे भाई, जितना सुला लो सो जाएंगे, जब मर्जी कह दो आप, जब मर्जी कह दो, रात में कह दो, दिन में कह दो, सुबह कह दो, भाई जब सुला लो सो जाएंगे अपन, है ना ऐसे। चलो ये देखो ये आपका फंडामेंटल राइट है। अच्छा कितने ऐसे लोग हैं जिनको खाना पसंद है, जितना खिला लो सुबह से रात खाते रहेंगे, बस वेफर्स खिला लो भाई साहब, है ना, इनको नाश्ता कितना ही करा दो, नमकीन बिस्किट घर के खत्म कर देते हैं, है ना, खाना जितना खिला दो कम पड़ जाता है, ऐसे है ना होंगे ना, तो ये आपका फंडामेंटल राइट है ना। ये कोई कहता है एवरीवन, नॉट एवरीवन यार, एवरीवन नहीं, बट यस ओके ठीक है। कितने लोग को एक्सरसाइज करना पसंद है, जिम जाना पसंद है ना, कोई होंगे जिनको एक्सरसाइज करना पसंद होगा, जिम जाना पसंद होगा, ठीक है, साइकिलिंग करना पसंद होगा, या वॉट एवर द केस में भी, तो ये सब आपका यू नो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सब आपके फंडामेंटल राइट है, आपके अधिकार है ये सब, ठीक है। अच्छा मेरे को तो क्लास में कितने लोग रिलेशनशिप में, हाउ मेनी ऑफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, हाउ मेनी ऑफ यू आर इन अ रिलेशनशिप विद, पलक, पलक जी हैं, अदिति है, बहुत बढ़िया, हक से सिंगल मनप्रीत कहता है, बहुत बढ़िया। तुम्हें पता है जब मैं पूछता हूं ना
कि कौन कौन रिलेशनशिप में, जितने भी लोग कहते हैं ना हक से सिंगल, बचपन से सिंगल, पैदा होते से सिंगल, ये बताना चाहते हैं कि भाई मैं सिंगल हूं, मेरे पे ट्राई मार लो कोई, है ना, इनका ये इंटेंशन होता है, पता है इनका इंटेंशन ये होता है, इनको ये नहीं बताना होता, सर को थोड़ी बताना होता है हम सिंगल है, पागल हो गए हो क्या, सर को कौन बताना चाहते हैं हम सिंगल है, ये बताना चाहते हैं क्लास में दूसरे लोगों को, देख लो भाई मैं सिंगल हूं, है ना, बार बार लिखेंगे सिंगल 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 सिंगल, हद है मतलब। अभ्यंकर कहता है लव यू सर, अभ्यंकर लव यू टू, चलिए आ जाओ ना, ध्यान देना। तो आपके पास बहुत सारे फंडामेंटल राइट है, जैसे कि बॉयफ्रेंड बनाना, गर्लफ्रेंड बनाना, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, आप बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो, गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, आपका फंडामेंटल राइट है ये, ठीक है, अपने माँ बाप को मत बता देना, नहीं तो पता चला गर्लफ्रेंड बना के क्या, बॉयफ्रेंड बना के पापा मम्मी के पास चले गए, पापा मम्मी सर ने बोला था कि हमारा ना फंडामेंटल राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है सर, हमारा फंडामेंटल राइट है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, दो जूते पड़ेंगे फिर वहां पे, ठीक है, अभी ध्यान देना, ठीक है, अभी ध्यान देना मेरे दोस्त, ठीक है, अभी ध्यान देना मेरे दोस्त सभी लोग। सो कहने का मतलब यह है कि आपके पास बहुत सारे फंडामेंटल राइट है, कुछ इस तरीके के आपके फंडामेंटल राइट है जो बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, राइट टू इक्वालिटी है, फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, बहुत सारे आपके पास क्या है जी, फंडामेंटल राइट्स है, यू हैव मेनी फंडामेंटल राइट्स, लेकिन ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट देगा कौन, संविधान, संविधान देगा फंडामेंटल राइट्स, लेकिन संविधान किसी पे तो ऑब्लिगेशन डालेगा ना, किसी पे तो कर्तव्य डालेगा, किसी की तो, किसी पे तो ड्यूटी लगाएगा कि देखो तू सारे सिटीजंस को देगा फंडामेंटल राइट। तो आपको पता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने स्टेट को कहा है कि आप सारे सिटीजंस को, कि आप सारे सिटीजंस को फंडामेंटल राइट दोगे। हमारा जो संविधान है ना उसने स्टेट को कहा है कि आप सारे सिटीजंस को फंडामेंटल राइट्स दोगे। हमारे संविधान ने स्टेट को कहा है कि आप सारे सिटीजंस को फंडामेंटल राइट्स दोगे। हमारे संविधान जो है ना, हमारा संविधान, उसने स्टेट को कहा, क्या कहा, कि आप सारे सिटीजंस को, संविधान ने स्टेट को कहा कि आप सारे सिटीजंस को फंडामेंटल राइट्स दोगे, करेक्ट है। अब ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फंडामेंटल राइट तो हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, लेकिन फंडामेंटल राइट पढ़ने के पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि कौन स्टेट कौन है, बे कौन है ये माइकल लाल, आइए जी आज हम पढ़ेंगे स्टेट कौन है, आ जाओ मेरी जान बनारस की पान, आ जाओ बेब्स, आज हम जानेंगे स्टेट कौन है। स्टेट, स्टेट डिफाइंड है संविधान के आर्टिकल 12 में, संविधान के आर्टिकल 12 में स्टेट डिफाइंड है। अब संविधान में आपको पता है किसी को कितने आर्टिकल्स हैं, संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, कोई बता सकता है मेरे को, आपकी क्लास में से मेरे को कोई बता सकता है संविधान में टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, एनीवन गाइस, संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? तो भैया जब बना था ना ओरिजिनल, जब ओरिजिनली बना था ना, तो पता है आर्टिकल्स कितने थे, किराता लंबिया लंबिया वे, ओरिजिनल प्रेजेंट, ठीक है, आर्टिकल्स, जब संविधान बना था तब हमारे पास 395 आर्टिकल्स थे और आज 448 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, आज 448 आर्टिकल्स हैं, करेक्ट है। उसके बाद में, उसके बाद में किसी को पता है पार्ट्स कितने हैं हमारे, पार्ट्स, एनीवन कैन टेल मी पार्ट्स, किसी को पता है पार्ट्स कितने हैं, किसी को पता है पार्ट्स कितने हैं, एनीवन, किसी को पता है पार्ट्स कितने हैं? तो जब बना था तब 22 पार्ट्स थे, आज 25 पार्ट्स हैं, ठीक है, आज 25 पार्ट्स हैं, करेक्ट है, ठीक है, आज 25 पार्ट्स हैं, जब बना था तब 22 पार्ट्स थे। और किसी को पता है स्केड्यूल कितने हैं, शेड्यूल कितने हैं, किसी को पता है शेड्यूल कितने हैं, शेड्यूल, स्केड्यूल कितने हैं? जब बना था तब 8 थे, आज 12 हैं, जब बना था तब 8 थे, आज 12 हैं, ठीक है, आज 12 है दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना सारे। संविधान हमारा जब आया तो आर्टिकल्स कितने थे जानते हैं, 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है, और आज 448 आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स 22 थे, आज 25 हैं, शेड्यूल 8 थे, आज 12 हैं, शेड्यूल 8 थे, आज 12 हैं। अच्छा सर मतलब देयर इज आर्टिकल कॉल्ड 448, नो 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 नो, देयर इज नथिंग आर्टिकल कॉल्ड 448, आर्टिकल 396 से कोई आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल 395 तक ही है,
तो सर आपने तो बोला 448 आर्टिकल है। एक्चुअली हमने क्या किया, हमने क्या किया, जब बहुत सारे आर्टिकल ऐड करने थे तो हमने पता है कैसे ऐड किया, 21A, 31A, 31B, 31C, ऐसे ए बी करके ऐड किया, और ऐसे टोटल मारते हैं तो 448 आर्टिकल हो जाते हैं, टोटल ऐसे मारते हैं तो 448 आर्टिकल्स हो जाते हैं। तो हमारे संविधान में एट प्रेजेंट 448 आर्टिकल्स हैं, जब बनाया था तब 395 आर्टिकल्स थे। जनरली पूछते एग्जाम में जब बनाया था तब का है, जब बनाया था तब का पूछते हैं कि 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 स्केड्यूल थे जब हमारा संविधान बना था। तो ये आपको चार्ट बना लेना है आपकी कॉपी में, ठीक है, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, स्क्रीनशॉट जब लेते हो तो बता दिया करो, मैं पोस्ट दे दूंगा कोई अच्छा सा, ठीक है, नहीं तो कई बार क्या होता है तुम स्क्रीनशॉट लेते हो, मेरा ऐसा आड़ा मोड़ा मुंह आ जाता है और बच्चे मेरे बर्थडे पे फिर वो पोस्ट लगाते हैं, बड़ा बुरा लगता है भाई मेरे को, ठीक है। तो यस अभी ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए जी, तो ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, आज 448 है, पार्ट्स 22 थे, आज 25 है, शेड्यूल जो है भैया, ठीक है, शेड्यूल जो है हमारे देश में कितने थे भैया बताइए, 8 थे, आज 12 है, आज 12 है बॉस, आज 12 है। आपको बताइए ये क्यों बनाते हैं आर्टिकल्स, क्यों किसी एक्ट में धाराएं होती है, सेक्शन होते हैं, क्यों संविधान में आर्टिकल्स हैं, क्यों ऐसा है कि आर्टिकल क्यों बनाते हैं, ये धारा 144, धारा 420, धारा 377, तुम अपने फ्रेंड को चिढ़ाते होगे ना, आजकल लड़के लड़के साथ घूमते हैं तो चिढ़ाते हैं ना, 377, लड़की लड़की साथ घूमे तो 377, तो ये सेक्शन है एक इंडियन पिनल कोड का, ठीक है, ठीक है, तो ये सेक्शन है, धारा एक लॉ है ये 377। एक्चुअली क्या था तुम्हें बताऊं क्या, पता होना चाहिए मेरे को लगता है तुम्हें, इतना बोलते हो पता होना चाहिए, पहले क्या था आर्टिकल कहता हूं, सेक्शन 377 था इंडियन पिनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता का एक सेक्शन था जिसका नाम था सेक्शन 377। उसमें यह लिखा हुआ था कि लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ, लड़का जानवर के साथ, लड़की जानवर के साथ अगर गिली गिली कुछ कुछ करते हैं, सर क्या करते हैं, गिली गिली कुछ कुछ, गिली गिली कुछ कुछ मतलब समझते हो, समझ रहे हो, लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ, लड़का जानवर के साथ या लड़की जानवर के साथ अगर गिली गिली कुछ कुछ करती है, समझ रहे हो ना, गिली गिली कुछ कुछ मतलब क्या होता है, समझ रहे हो ना, गिली गिली कुछ कुछ मतलब क्या होता है, समझ गए ना, अगर करते हैं तो उसकी भैया सजा होगी, जेल होगी, जेल अलाउड नहीं था पहले, अलाउड नहीं था, लेकिन फिर हटा दिया गया, धारा 370 को हटा दिया गया, मतलब आज की तारीख में लड़का लड़के के साथ कर सकता है जो कर रहे हैं, लड़की लड़की के साथ कर सकती है, लड़का जानवरों के साथ कर सकता है, लड़की भी जानवरों के साथ कर सकती है, अब धारा 370 हटा दी गई हमारे देश में। तो ये सेक्शन होते हैं लॉ में, है ना, संविधान में आर्टिकल वर्ड क्यों यूज किया, सेक्शन क्यों नहीं यूज किया, तो सुनना, सबसे पहले ये सेक्शन और आर्टिकल होते क्यों है कोई बता सकता है कि क्यों ये धाराएं होती है, क्यों ये आर्टिकल्स होते हैं, आपकी क्लास में से कोई बता सकता है, शुभांगी कहती है एनिमल के साथ भी हाउ, अब हाउ मतलब मैं करके थोड़ी बताऊंगा, हाउ मतलब क्या होता है, हाउ मतलब क्या होता है भाई। चलिए ओके, अभी ध्यान देना, ओके अभी ध्यान देना सारे, मेरे को बताओ कोई बता सकता है, कोई मेरे को आपकी क्लास में से बता सकता है कि ये सेक्शंस ये आर्टिकल्स क्यों होते हैं, एनीवन कैन टेल मी, ये सेक्शंस ये आर्टिकल्स क्यों होते हैं, किसी को पता है, मेघा कहती है यू आर माय फेवरेट यार, थैंक यू बोल दो, ये कर लेते हैं पहले अपन, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी मेघा जी पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, अपन ये खेल लेते हैं बढ़िया, है ना, थैंक यू, ये कर लेते हैं अपन, पढ़ाई करो मेघा जी मैडम, चलिए ओके, सो अरे मेरे भाई मैं पूछ रहा हूँ सेक्शन आर्टिकल क्यों होते हैं, तो कोई लिखता है फॉर गुड फ्लो ऑफ इकोनॉमी, अबे मेरा मतलब है कि हमने क्यों किसी लॉ में सेक्शन वर्ड क्यों यूज किया, क्यों हमने लॉ को सेक्शन वाइज बनाया, क्यों हमने लॉ को आर्टिकल वाइज बनाया, क्यों हमने डायरेक्ट पैराग्राफ वाइज नहीं बना दिया, जैसे कि मान लो 300 पेज का हमारा कोई लॉ है, क्यों हम उसको सेक्शन वाइज बनाते हैं, क्यों हम डायरेक्टली उसको 300 पेज नहीं लिख देते, इसलिए करते हैं ताकि प्रॉपर बाइफोगेशन हो, प्रॉपर यू नो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, प्रॉपर यू नो एक फ्लेक्सिबिलिटी हो, पता हो कि कौन सी बात कहाँ लिखी हुई है, जैसे गीता, गीता पता है आपको, गीता है ना, गीता में भी यू नो अध्याय हैं, अलग अलग अध्याय हैं, अध्याय,
तो वो अध्याय से पता चलता है, ये अध्याय में ये बात लिखी है, ये अध्याय में ये बात लिखी है। उसी प्रकार से लॉ में सेक्शन होते हैं कि ये बात ये सेक्शन में, ये बात ये सेक्शन में। जैसे बचपन में स्कूल में बच्चे ज्यादा होते थे तो सेक्शन वाइज बांट देते थे ना, मैं सेक्शन ए में था और मेरे को ऐसा लगता है सेक्शन ए के बच्चे ही ज्यादा अच्छे होते हैं। बचपन से ना मेरे दिमाग में एक वहम था कि सेक्शन ए में जितने बच्चे होते हैं वो अच्छे होते हैं, सेक्शन बी में ठीक ठीक होते हैं, सी के तो थर्ड क्लास होते हैं। ठीक है, ओके ना, अभी ध्यान देना, अभी ध्यान देना सारे, ये फालतू बात है बट ठीक है, अभी ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। तो क्या होता है, हम सेक्शन और आर्टिकल्स क्यों बनाते हैं ना, इसलिए बनाते हैं सेक्शन और आर्टिकल्स ताकि एक प्रॉपर बाइफर्गेशन हो, इसलिए हम सेक्शंस बनाते हैं, आर्टिकल्स बनाते हैं। उसी प्रकार से संविधान में हमने आर्टिकल्स बनाए सबसे अलग रखने के लिए, जैसे लॉ में सेक्शन यूज होते हैं तो हम सबसे अलग रखना चाहते थे संविधान को, इसलिए हमने सेक्शन वर्ड यूज नहीं किया, आर्टिकल वर्ड यूज किया। अब ध्यान से सुनना, आर्टिकल 12 जो है वो बताता है स्टेट कौन है, स्टेट कौन है। मेरे को बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसके बाद ही स्टेट पढ़ाना शुरू करूंगा। मेरे को बताओ संविधान ने किस पे ऑब्लिगेशन डाली थी फंडामेंटल राइट्स देने के लिए सिटीजन को, संविधान ने किस पे ऑब्लिगेशन डाली थी फंडामेंटल राइट्स देने के लिए सिटीजन को, सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिले इसकी ऑब्लिगेशन संविधान ने किस पे डाली, तो स्टेट पे डाली थी। अब ये स्टेट कौन है, आइए जी जानते हैं। संविधान का आर्टिकल 12 कहता है स्टेट कौन है, ध्यान से सुनना, कहता है अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, मतलब जब तक कुछ और रिक्वायर्ड ना हो, जब तक कुछ और जरूरत ना हो। स्टेट में कौन कौन आएगा सुनना, स्टेट में कौन कौन आएगा सुनना, स्टेट में आएगा गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में आएगी और पार्लियामेंट भी स्टेट में आएगा, पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा लोकसभा। स्टेट में कौन कौन आएगा बोलो, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मेरे साथ बोलो, बोलना है, घर वालों को लगना चाहिए कि 10:45 हमारा बेटा बेटी पढ़ रही है, जोर से चिल्लाओ, मोहल्ले वालों को सुनाओ, जल्दी से बोलो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एक बार चिल्ला के मोहल्ले वालों की नींद खराब कर दो, कोई सो रहा होगा तो। क्या आएगा जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी से बताओ, स्टेट में कौन आएगा, तो स्टेट में आएगा गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट में कौन आएगा जल्दी से बताइए, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया स्टेट में आएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकसभा राज्यसभा ये स्टेट में आएंगे, आसान है ना, वेरी गुड। दूसरा और कौन आएगा स्टेट में, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, और कौन आएगा, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी स्टेट में आएगा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और कौन आएगा स्टेट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि विधानसभा विधान परिषद, ये भी स्टेट में आएंगे। दो चीजें हमने देखी स्टेट में कौन कौन आएगा, स्टेट में कौन कौन आएगा फिर से बोलो, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, फिर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। ये आपको एग्जीक्यूटिव में भी आता है, ये सीएस एग्जीक्यूटिव में भी आता है बेटा, हम इतनी डीप में पढ़ रहे हैं अभी, है ना, टॉट मैंने आपको इतनी डीप में पढ़ाया है, संविधान में आपको इतनी डीप में पढ़ाऊंगा कि आपको एग्जीक्यूटिव में भी काम आ जाएगा पूरा पूरा, एग्जीक्यूटिव में तो आपको सिर्फ रिविजन करना होगा, दैट्स इट। अभी ध्यान से सुनना सारे, तो स्टेट में कौन कौन आएगा, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, जब तक कुछ और जरूरत ना हो, स्टेट में कौन कौन आएगा, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकसभा राज्यसभा, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कौन कौन आएगा जल्दी से बताइए जी, बताओ जरा। तो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकसभा राज्यसभा, स्टेट गवर्नमेंट और विधानसभा विधान परिषद, ये हमारे स्टेट में आएंगे। और कौन आएगा स्टेट में, ऑल लोकल अथॉरिटी। ये लोकल अथॉरिटी मतलब क्या होता है, लोकल अथॉरिटी मतलब होता है म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी पता है, म्युनिसिपैलिटी पता होगा ना आपको, नहीं पता म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी तो पता होगा, कचरा वचरा उठाने का काम करते हैं, पार्किंग वार्किंग का काम देखते हैं, म्युनिसिपैलिटी पता होगा ना। पंचायत पता है, पंचायत जो तुम करते हो वो वाली नहीं बेटा, जो गांव में होती है पंचायत, पता होगा ना। तो ये डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सब आते हैं लोकल अथॉरिटी में, ये सब आते हैं लोकल अथॉरिटी में, सारे के सारे ये लोकल अथॉरिटी में आते हैं। ये सारी लोकल अथॉरिटी ना स्टेट होती है सारी की सारी, ये मतलब म्युनिसिपैलिटी स्टेट होती है, पंचायत स्टेट होते हैं, सारी लोकल अथॉरिटी स्टेट है, सारी अदर अथॉरिटी भी स्टेट है। अदर अथॉरिटी मतलब पता है कौन होते हैं, अदर अथॉरिटी मतलब ऐसी कोई बॉडी जो किसी स्पेशल लॉ से बनी है, ऐसी कोई बॉडी जो किसी स्पेशल लॉ से बनी है, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट से बनी आईसीएसआई, तो आईसीएसआई हो गई अदर अथॉरिटी। आरबीआई एक्ट से बनी आरबीआई, तो बनी वो अदर अथॉरिटी। सेबी एक्ट से बना सेबी,
तो वो हो गया अदर अथॉरिटी. एसबीआई एक्ट से बना एसबीआई तो वो हो गया अदर अथॉरिटी. एलआईसी एक्ट से बना एलआईसी तो वो हो गया अदर अथॉरिटी. तो जो भी किसी स्पेशल लॉ से कोई बॉडी बनती है उसे कहते हैं अदर अथॉरिटी. तो चाहे लोकल अथॉरिटी हो चाहे अदर अथॉरिटी हो, अगर वो भारत देश की टेरिटरी में है, अगर वो भारत देश की टेरिटरी में है तो वो स्टेट है. इंडिया, आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया. क्या इंडिया बनाया है पहली बार मेरे से इतना सुंदर, वाह भाई वाह. ये इंडिया है हमारा. इस इंडिया के अंदर जितनी भी लोकल अथॉरिटी होगी, जितनी भी अदर अथॉरिटी होगी, सबकी सब स्टेट है. इंडिया के अंदर जितनी भी लोकल अथॉरिटी होगी, जितनी भी अदर अथॉरिटी होगी. सर ये लोकल अथॉरिटी मतलब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, ये सब लोकल अथॉरिटी में आते हैं. अदर अथॉरिटी जो स्पेशल लॉ से बनती है, आरबीआई, सेबी, ये सब किस में आते हैं? अदर अथॉरिटी में. तो इंडिया के अंदर जितनी भी लोकल अथॉरिटी होगी, जितनी भी अदर अथॉरिटी होगी, सबकी सब क्या है? सबकी सब स्टेट है भाई साहब. सबकी सब स्टेट है भाई साहब. सबकी सब स्टेट है भाई साहब. सबकी सब क्या है जल्दी से बताओ? सबकी सब कौन है भैया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ. सबकी सब स्टेट है. अच्छा, सारी लोकल और अदर अथॉरिटी जो मान लो इंडिया में नहीं है लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ऐसी कोई लोकल अथॉरिटी है या अदर अथॉरिटी जो इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वो भी स्टेट है. जैसे कि इंडियन एम्बेसी. कोई जानता है इंडियन एम्बेसी का क्या काम होता है? जैसे कि इंडियन एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया में है, यूएस में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, चाइना में है, रशिया में है, हर जगह है. हर जगह हमारी इंडियन एम्बेसी है. इंडियन एम्बेसी पता है क्या करती है? जितने भी हमारे इंडियंस दूसरे देश में रह रहे हैं उनकी हेल्प करती है ना. हमारी इंडियन एम्बेसी दूसरे देशों में होती है और जितने भी लोग हैं हमारे इंडियंस उनकी मदद करती है. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इंडियन एम्बेसी इन अफगानिस्तान, आपको दिखाता हूँ. अफगानिस्तान में अभी आपको सबको पता है हालत कैसी है. इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी इन अफगानिस्तान. अब ये देखो, इंडियन एम्बेसी इन अफगानिस्तान की वेबसाइट खोल रहा हूं मैं. दिस इज द वेबसाइट ऑफ इंडियन एम्बेसी इन अफगानिस्तान. देखो क्या लिखा हुआ है. काइंड अटेंशन डिटेल्स ऑफ स्पेशल अफगानिस्तान सेल. Ministry of External Affairs has set up special Afghanistan cell to coordinate repatriation. Repatriation मतलब हम अफगानिस्तान के लोगों को देश में लाने के लिए हम लाना चाहते हैं. ये एम्बेसी करती है, इंडियन एम्बेसी ये काम कर रही है. अगर आपके भी कोई लोग फंसे हुए हैं वहां पे तो ये नंबर्स पे आप कॉन्टेक्ट कीजिए, ये नंबर्स पे आप कॉन्टेक्ट कीजिए. ये इंडियन एम्बेसी काम करती है. देखो वेबसाइट देखो, एम्बेसी ऑफ इंडिया काबुल अफगानिस्तान. ये काबुल में इंडिया की एम्बेसी है जहां पे सारे दंगे हो रहे हैं अफगानिस्तान में. अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, अफगानिस्तान को तालिबानों ने, तालिबानी जीतते थे, तालिबान इज अ टेररिस्ट ग्रुप, अफगानिस्तान पे पूरा कब्जा कर लिया है. और इंडियन एम्बेसी सारे इंडियंस को हेल्प कर रही है कि सारे इंडियंस जो हैं वहां से हम देश लेके आए, ठीक है. और बहुत सारे आ भी रहे कंटिन्यूसली. सो ये हमारी इंडियन एम्बेसी काम करती है ये सब. कि इंडियन एम्बेसी अलग अलग देशों में होती है और वहां पे जो इंडियंस होते हैं उनकी हेल्प करती है इंडियन एम्बेसी. मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्या इंडियन एम्बेसी स्टेट होगी कि नहीं? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, इंडियन एम्बेसी स्टेट होगी कि नहीं होगी? क्या लगता है, इंडियन एम्बेसी स्टेट होगी कि नहीं? तो आंसर इज, इंडियन एम्बेसी भले ही कंट्री के बाहर है लेकिन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, इसलिए वो स्टेट है. वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. इंडियन एम्बेसी स्टेट है बॉस. वेरी गुड गाइस, प्राउड ऑफ यू गाइस, प्राउड ऑफ यू गाइस. ठीक है. सो बिल्कुल 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 वंडरफुल गाइस. इंडियन एम्बेसी जो है भैया स्टेट है. तो स्टेट में कौन कौन आता है बताओ जरा, स्टेट में कौन कौन आता है? अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, जब तक कुछ और रिक्वायर्ड ना हो. स्टेट में कौन कौन आता है? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकसभा राज्यसभा. गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और विधानसभा विधान परिषद. ऑल लोकल अथॉरिटी मतलब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, ये सब. अदर अथॉरिटी जो भी बॉडी स्पेशल लॉ से बनी है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. भारत देश की टेरिटरी में जितनी लोकल अथॉरिटी है, जितनी अदर अथॉरिटी है, सबकी सब स्टेट है. या फिर ऐसी लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी जो भारत में नहीं है लेकिन भारत के कंट्रोल में है, वो भी स्टेट है. सो ऑल लोकल अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. मेरे को बताओ कितनी देर लगेगी इसको याद करने में? मैं आपको दे रहा हूं 3 मिनट. 3 मिनट में मेरे को ये याद करके चाहिए. बिकॉज अगर आप इसको याद कर लोगे आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में भी हेल्प करेगा. मेरे को यहां से याद करके चाहिए. अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स स्टेट इंक्लूड्स, और ये पूरा.
जल्दी से, 3 मिनट का समय, 3 मिनट का समय, 3 मिनट का समय, जब तक मैं पानी पीता हूं। तेरी मेरी गल्ला, सॉरी सॉरी सॉरी, गाना नहीं गाना है, आप लोग पढ़ाई कीजिए। चलिए जल्दी से पढ़ो, फास्ट फास्टी फास्टी एकदम। ऋषि जैन कहता याद भी हो गया। मैं आपको पूछूंगा, किसी से भी रैंडमली पूछूंगा, किसी से भी रैंडमली पूछूंगा, जितने लोग होशियार मत बनो, हो गया हो गया, इतनी जल्दी याद थोड़ी होता है, इतने स्मार्ट हो गया, जल्दी याद करो। चलो हेलो, गुड इवनिंग सर। बेटा मोदी सर नहीं है घर पे। सर आप ऐसे ही करते हो लेक्चर में, भी हमें पता है। ना बेटा, मोदी सर गर्लफ्रेंड के साथ भाग गए सर। हेलो सर, मैं पहले से टेंशन में हूँ, मैंने 2 दिन पहले आपके लिए कॉल किया था। अच्छा मेरी जान, मैं तेको लेक्चर के बाद कॉल करता हूँ भाई। अच्छा, क्या टेंशन हो गई तेरे को, भाग गई क्या? मेरी जान भाई, तेरी सारी टेंशन दूर कर देंगे, ठीक है? टेंशन मत ले। ओके, मैं कॉल करता हूँ, पक्का कॉल करता हूँ, देखो वादा, प्रॉमिस, ठीक है? ओके चलिए, ओके चलिए जी, ओके अभी ध्यान देना सब लोग। विराज पटेल कहता है सर क्या बॉडी है। हाँ वेरी गुड, बोलते रहा करो, हाँ ऐसे रोज बोलने का, सर आज तो बॉडी जोरदार लग रही है, सर क्या बाइसेप दिख रहे हैं, सर क्या ट्राइसेप दिख रही है। रोज तारीफ करना कंपलसरी है भाई, क्लास में रहना, मेरी तो मेरी तारीफ तुम्हारे को बॉडी की करते रहना चाहिए, क्योंकि मैं भी रोज जिम जा रहा हूं, तो तुम्हें रोज ना मेरी तारीफ करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी, दिस इज अ कंपल्शन, राइट? सो यू हैव टू डू इट। इनफैक्ट जितने लोग रिकॉर्डेड देखते हैं तुम कमेंट सेक्शन में किया करो, ठीक है भाई? चलिए ओके ओके भाई, चलिए ओके। अभी मैं किस किस को हो गया, लर्न हो गया, किसको लर्न हो गया, किसको लर्न हो गया भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूछू किसी से भी, किसी से भी पूछू? चलिए श्रुति साहू जी आप बताओ। श्रुति साहू जी ने बहुत पहले कह दिया था मेरे को हो गया। श्रुति साहू जी आप बताइए भाई साहब, सॉरी बहन साहब, ओ सॉरी मेरा मतलब है, यस श्रुति साहू जी अनम्यूट हो जाओ बेटा, आपको अनम्यूट मैंने किया है, अनम्यूट हो जाओ श्रुति जी। ओ श्रुति जी, हेलो श्रुति जी, हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही, हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो कौन बताएगा? हेलो, हाँ जी अभी आ रही है, बोलो। हेलो, हाँ बताओ, स्टेट सुनाओ कैमरा ऑन करके। अरे गजब मैडम हो आप यार, म्यूट हो जाते हो। हेलो, चलो कोई नहीं, राजपूत सिंह जी से पूछते हैं। चलो राजपूत सिंह जी जल्दी से आंसर दो, स्टेट बताओ मेरे को। चलो पूरा राजपूत सिंह जी, कैमरा ऑन होना चाहिए, और चीटिंग कोई करता है तो मेरे को पता चल जाएगा, तो चीटिंग आपको करनी नहीं है, कैमरा ऑन कर लो, जल्दी से बताओ, चलो फास्ट। हेलो, हेलो सर, हाँ भाई बताओ। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, हाँ, और लोकल अथॉरिटी एंड अदर अथॉरिटी, हाँ बोलो। हो गया सर, बोलते दिन सर, वेरी गुड। लोकल अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी उसके आगे भी है, एंड और अथॉरिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया के लैंड में होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए या इंडिया के बाहर होना चाहिए, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में होना चाहिए या इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए, होना चाहिए, यस सर। चल ठीक है, गुड गुड गुड। चलो और कोई है भाई जो और कॉन्फिडेंटली बताएगा, एकदम कॉन्फिडेंटली? चलो और कोई है जो एकदम कॉन्फिडेंटली बताएगा? चल वेरी गुड मेरे भाई, थैंक्स सर।
अच्छा बेबी यही लिखा हुआ है, माँ की जय हो, यही तो लिखा हुआ था, मैं तो भूल गया, हाय राम, ये तो यही लिखा हुआ था। चलो जी ओके, दिव्या जी आंसर देंगी, चलिए दिव्या जी बताइए, दिव्या जी बताइए, दिव्या, दिव्या जी बताओ। हेलो सर, एक मिनट, एक मिनट सर। हाँ मेकअप कर ले पहले सर, आप हम लोग कैमरा ऑन नहीं रखते तो हम लोग नहीं करते कुछ भी घर पे। क्या कह रही है? हेलो, एक मिनट। हाँ कर ले, मेकअप कर ले, थोड़ा कम लगाना पाउडर। क्या? थोड़ा पाउडर कम लगाना। मैं लगाती हूँ। हाँ मैं पाउडर नहीं लगाती हूँ। तो फाउंडेशन। हाँ हेलो सर, बताऊं? हाँ बताओ। बताऊं सर? हाँ बताइए। द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव ऑफ ईच ऑफ द स्टेट और अदर अथॉरिटीज एंड लीगल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज अंडर द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। वेरी गुड, ठीक है दिव्या जी, चलिए सर। ओके दिव्या जी, वेरी गुड, चलिए। सो नाउ स्टेट में कौन कौन आता है दोस्तों, स्टेट में कौन कौन आता है दोस्त, ठीक है, स्टेट में कौन कौन आता है, सो स्टेट में कौन कौन आता है जल्दी बताइए, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, जब तक कुछ और साफ साफ रिक्वायर्ड ना हो। स्टेट में कौन कौन आता है? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, फटाफट आंसर आने चाहिए। क्या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट स्टेट होंगे? क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट स्टेट होंगे? तो आंसर इज गवर्नमेंट स्टेट है तो उनके डिपार्टमेंट भी स्टेट होंगे, बट ऑब्वियसली यस। क्या गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज स्टेट होंगी? क्या गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज स्टेट होंगी, मिनिस्ट्रीज? तो आंसर इज यस, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज भी स्टेट होती है, वेरी गुड, क्योंकि वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही है प्रॉपरली एकदम अच्छे से। चलिए ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत अच्छे से बताना, बहुत अच्छे से। क्या आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेट होगा? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेट होगा? तो आंसर इज अदर अथॉरिटी है, अदर अथॉरिटी है ना यार, स्पेशल लॉ से बनाया गया है तो जितने भी स्पेशल लॉ से बनते हैं वो तो स्टेट है ही ना। अरे स्पेशल लॉ से बना ना, अदर अथॉरिटी है ना, कई लोग नो लिख रहे हैं तो स्टेट आएगा ही ना, आरबीआई इज स्टेट बट ऑब्वियसली। चलिए मुझे बताना, टफ क्वेश्चन, वेरी टफ क्वेश्चन, यूनिक एकेडमी स्टेट होगी क्या? यूनिक एकेडमी, क्या यूनिक एकेडमी स्टेट होगी? तो आंसर इज नो, यूनिक एकेडमी इसमें से किसी में नहीं आती, तो यूनिक एकेडमी स्टेट नहीं होगी। वेरी गुड गाइस, प्राउड ऑफ यू गाइस, मजेदार गाइस, क्या बात है भाई, मजा आ गया। अच्छा मेरे, मैंने ना एक मंदिर बनाया, मंदिर, क्या वो मंदिर स्टेट होगा? मैंने एक मंदिर बनाया, मैंने एक मंदिर बनाया, क्या वो स्टेट होगा? तो आंसर इज नो, वो इन सब में से किसी में नहीं आता तो वो स्टेट नहीं होगा। लेकिन अगर उस मंदिर को सरकार कंट्रोल करे तो, अगर सरकार किसी मंदिर को कंट्रोल करे तो क्या वो स्टेट होगा? तो सारे कह रहे हैं यस वो फिर स्टेट होगा। तो देखो अभी ना एक बात पे डिस्प्यूट है कि और प्राइवेट बॉडीज में से कौन कौन स्टेट होगा, तो वो हम कल पढ़ने वाले हैं कि और कौन लोग स्टेट होते हैं। बट आप लोग के लिए, आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग के लिए होमवर्क है, होमवर्क ये है, होमवर्क ये है, होमवर्क ये है कि आपको कल पता करके आना है कि क्या बीसीसीआई स्टेट है। बीसीसीआई पता है, बीसीसीआई क्या है? बीसीसीआई, बीसीसीआई पता है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, पता है ना, बीसीसीआई जो पूरे क्रिकेट को कंट्रोल करती है हमारे देश में, जो क्रिकेट होता है उसको जो कंट्रोल करती है वो है बीसीसीआई। तो आपको पता करके आना है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट, यस, आपको पता करके आना है कि क्या बीसीसीआई स्टेट है कि नहीं है, ये आपको कल पता करके आना है, उसके पता किए बिना मत आना, ठीक है, पता करना है मतलब करना है। कल स्टेट को मैं आगे बढ़ाऊंगा, कल स्टेट को मैं बहुत अच्छे से और थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊंगा, तो कल का लेक्चर मिस मत कीजिएगा कोई भी किसी भी हाल में, करेक्ट है। आज मैं लेट हो गया था यार थोड़ा सा ज्वाइन करने में, और मैं अभी 11 से लेट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अभी अभी आप नाइट लेक्चर्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, सो एनीवे हम लोग आगे बढ़ाएंगे नाइट लेक्चर्स को एक एक रात को दो दो बजे तक, बट अभी के लिए आई थिंक काफी है, सफिशिएंट है, ठीक है। एक्चुअली किसी पेरेंट का मैसेज आया कि इतनी रात को हमारा बच्चा सो जाता है, प्लीज उस आप ये कर दीजिए वो कर दीजिए, ठीक है, तो आज के लिए अभी रहने देते हैं, लेकिन मैं उनसे कॉल करके बात करूंगा कि यार आदत डाल लीजिए अब, कि अभी रात में लेट नाइट लेक्चर्स के लिए है ना, तो मेक अ हैबिट फॉर दैट, एक हैबिट बना लीजिए, ठीक है। चलो आज यार आप लोग गाना,
आप लोग का गाना बाद में, ठीक है? आज मैं गाना, कोई गाना चाहता है, कोई है गाना गाना चाहता है अपनी क्लास में? एक दो लोग, कोई कोई गाना चाहता है, कोई गाना गाना चाहता है? ईश्वरी झा, ऋषि जैन, अंजू दुबे, क्या बात है, ठीक है, चलो ओके ओके, सबकी चांस आएगी, डोंट वरी, बहुत सारे लेक्चर्स हैं हमारे। सबसे पहले अंजू जी गाना चाहेंगी, अंजू जी गाना सुनाइए, चलिए अंजू जी, एक मिनट एक मिनट 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 एक मिनट। तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, अंजू जी गाना सुनाइए, अंजू जी, अंजू दुबे। हाँ जी अंजू जी, कैसे हो? हेलो हेलो अंजू जी, सुनाइए गाना। सर पहले तो ना एक सर शिकायत है आपसे सर। बोलो जी। सर आप इंस्टा पे फॉलो बैक कर दो सर। इंस्टा पे फॉलो बैक करना है? हाँ सर। चलो ठीक है, अभी ना रोज जो कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा ना, अगर कोई गाना गाएगा या डांस करेगा या मिमिक्री करेगा या कोई स्टैंड अप कॉमेडी करेगा, तो पक्का उसको फॉलो बैक करूंगा और रोज दो लोगों को चांस दूंगा, ठीक है? ठीक है ओके, चलो ओके, सुनाओ सर पंजाबी सॉन्ग सुना दो। हाँ जी सुनाइए। कर दा ए गुस्सा मेरी निकी निकी गल दा, एदा नहीं ओ सोने ओ प्यार चल दा, कहना चावा दिल वाली मैं, दिल दी दिल च रह जवे, हो नित दी नाराजगी तेरी, मेरी कद कहना जान ले जवे, हो नित दी नाराजगी तेरी, मेरी कद कहना जान ले जवे, गल्ला गल्ला विच देवे दिल मेरा तोड़वे, वसदा खुदा दा मैनू इन्ना ना सतावे, रुसिया ना कर सोनियो किते कल्या ना रूना पै जवे, हो नित दी नाराजगी तेरी, मेरी कड के ना जान ले जवे, पहला वारी दिस दी ना तेरे विच सादगी, समझ ना दी मैनू तेरी नाराजगी, देख के बिहेव तेरा वे, दिल मेरा दंग रह जवे, हो नित दी नाराजगी तेरी, मेरी कद के न जान ले जवे। थैंक यू सर। ओहो, क्या बात है, इतने फील से गा रही थी तू गाना, हैं? कितने फील से, ओहो, कहाँ से हो मैडम आप? सर मैं बेसिकली कानपुर से हूँ सर, यूपी। अच्छा यूपी से हो, योगी जी? हाँ सर। कैसा काम कर रहे हैं योगी जी यूपी में? सर बहुत ही बढ़िया सर। बहुत बढ़िया सर, हमारे तो फैन है सब उनके। क्या है? फैन है सब उनके, योगी सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके अंजू जी, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू। ओके बाय, टेक केयर। आपको मैं फॉलो कर देता हूँ, आपकी आईडी बता दो सर। अंजू दुबे। हाँ जी अंजू, क्या कह रहे हो? हेलो, यस बताइए, अंजू दुबे। यस सर। अंजू मिले क्या? दुबे आप दिख नहीं रहे हो मैडम। अच्छा ये फॉलो बैक, शिवी दुबे। शिवी दुबे। यस सर। ओके डन मैडम। ओके और कौन है भाई, कौन गा रहा था गाना? प्राक कौन, प्रेक्षा और ऋषि, ये दो लोग कह रहे हैं भाई, ठीक है ये दोनों का गाना सुनते हैं फिर आज डन करेंगे, फिर बाकी लोग कल, ठीक है? यस ऋषि, हेलो भाई, अनम्यूट किया मैंने। ऋषि जी, ऋषि जैन, हेलो, आपको अनम्यूट किया मैंने। हेलो, हाँ ऋषि सर, वैसे तो अभी गाना नहीं गा सकते एक्चुअली, बट लेकिन सर आप हिंदी सॉन्ग ज्यादा गाते सर, इंग्लिश सॉन्ग भी गाइए सर प्लीज। चल ठीक है भाई, गाना तो तू क्या कह रहा था, मैं गाना सुनाऊंगा
सर इसीलिए क्योंकि आप म्यूट तो करो सर, कभी बात करने का मौका ही नहीं मिला सर आपसे। वाह बेटा मतलब ये तो बहुत सही काम किया है तूने, है मतलब अगर आप किसी को बात करना होगा मेरे से तो मैं गाना गाना चाहता हूँ सर, और जैसे ही मैं अनम्यूट करूंगा, वाह बेटा ऋषि बेटा छा गया तू तो। अरे सर गा देता हूँ, मैं गा देता हूँ सर, एक गाना गा देता हूँ। गाना ही पड़ेगा तेरे को, ऐसे छोड़ता भी नहीं था मैं तेरे को, जल्दी गाओ। सर इंग्लिश सॉन्ग प्लस स्पेनिश मिक्स कर दूंगा सर, थोड़ा अंग्रेजी तक ठीक है भाई, ये तू जापानी चीनी मिक्स करेगा तो हमारे को नहीं समझनी। चल ठीक है, ओके सुनाओ। ठीक सर, हेलो हेलो। हाँ भाई। हाँ सर आवाज आ रही है क्या? हाँ जी आ रही है। हाँ हे I'm sure your friends and us need them, but I work in our stream game. Hey, I'm sure you're from a fool, a mess. You, I forgot the light I left you, but the work can. I know you need them, need them go. Nah, I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your roller. There I know you cannot pull the bike. That tattoo on your shoulder, who is his world up or cold? All this matches try your stroll from a room back in another being ever can another. Thank you, sir. ये last में मेरे को जोरदार लगा, ना 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 जोरदार भाई, एक नंबर, सेक्सी बड़ी। तूने स्पेनिश तो मिक्स किया नहीं इसमें सर, मैं सोच रहा था फिर आप स्पेनिश मारा की तो सर गा देता हूँ, ऐसा डेस्पेशी तो है। हाँ सुना, स्पेनिश भी सुना दे भाई। ठीक है सी तब की जाजा मंद्रा दोरी रम दो दो देंगु के वाला गु दिगु दिवा सी के दुमुरा दा यस्ता मारो मंबोल प्लान वैसा मैं कमी नो के यू Stool, stoli ke jumar zala la roma Dego zingo mingo zinga liengo ma Yasa kamba zara ngena lunga puro No Despacito Thank you sir. Kya baat hai bhai, kya baat hai bhai, kya baat hai, ek number. Main bhi Japani mein gaana chahta hoon, main bhi Japanese mein gaana gaana chahta hoon. Sir, sir, koise sir, English mein gaa do. Sunao main, Japanese mein sunao ek gaana. Thik hai, thik hai, haa. Okay, suno. Yauzi zazo sakoli dhane kanji so radhi Hewa chingho sagali gadi do sana chita. So ye Japanese song hai. Achha sir, ye mereko opera aata hai, genuinely opera aata hai. Opera suna do tumhare ko, suno suno opera suno. Abhi ye bhai angrejo ki yahan pe mehfil lagi hai, to suno opera sunata hu tumhare ko, opera suno ek bar opera. Re कसम भगवान की गाना मत गाना है ना आप, में ऑपेरा सुन के ऐसे बोलोगे सर स्पीकर में। चलिए भाई, हेलो हेलो ऋषि। हाँ सर। हाँ कैसा लगा तेरे को ऑपेरा, कैसा लगा? बस सर बस स्पीकर में कनेक्टिंग करने वाला था मैं। गजब भाई गजब। ऋषि जी कहाँ से हो आप? सर फ्रॉम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, अरे वाह, आप तो पड़ोसी हो हमारे। यस सर, बस छत्तीसगढ़ में कहाँ से हो? छत्तीसगढ़ में दुर्ग। हाँ दुर्ग रायपुर सर। दुर्ग दुर्ग, वेरी गुड। ओके चलिए भाई, एंजॉय करो, जीवन जियो भाई। ठीक है चलो, बाकी बातें कल करते हैं। ठीक है,
सो अच्छा इसको इसको परीक्षा को गाना गाना था, एक परीक्षा का लास्ट गाना, उसके बाद में बाकी बातें कल करते, ठीक है? ओके सर। ओके भाई। यस परीक्षा जी। हेलो हेलो परीक्षा। हाँ सर, am I audible? Yes, you are audible. सुनाओ। तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, करना कभी तो मुझे नजरों से दूर, कित चलिए तो कित चलिए तो कित चलिए, जान दे दिलिए तो जान दिए तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू, कित चलिए तो कित चलिए तो कित चलिए, काटू किस राता ओ सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे, के राता लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगिया संगिया रे, के राता लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगिया संगिया रे। थैंक यू सर। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मेरा फेवरेट गाना है अभी एट प्रेजेंट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेहल जी मैं पक्का चेक करता हूँ इंस्टाग्राम, आपने मुझे टैग किया था ना, मैं पक्का चेक करता हूँ, प्रॉमिस चेक करता हूँ। चलो हाँ जी परीक्षा क्या कह रहे हो? फॉलो बैक मुझे भी दो। हाँ जी आपको भी फॉलो बैक दे देते हैं, सबको फॉलो बैक दे देते हैं, ठीक है? ओके परीक्षा जी मेरे को अनफॉलो करके एक बार फॉलो करना, मेरे को नोटिफिकेशन आ जाएगा, कर देता हूँ मैं, ठीक है? चलो फॉलो बैक करता हूँ भाई, सबको करूंगा, टेंशन मत लो यार, बहुत लंबा सफर है अपना, टेंशन मत लो, अपन एंड थोड़ी हो रहा है, सब लोग से कभी ना कभी कांटेक्ट हो ही जाएगा और फॉलो अप कर ही दूंगा, टेंशन मत लो, सबको गाने का मौका मिलेगा, ठीक है? ओके बाय, आज के लिए डन करते हैं, पढ़ते रहो, एक्चुअली पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीजें होती रहे तो यार पढ़ाई में मूड बना रहता है, और कुछ नहीं। चलिए जी, तो बाकी बातें कल करते हैं, कल इसको और डिटेल में विस्तार से जानेंगे, ठीक है? एवरीवन बाय, एवरीवन टेक केयर, लव यू, मिस यू, टाटा बाय, ठीक है? चलो आप तो गाओ, कोई कह रहा है, मैं गाना पक्का कल सुनाता हूँ, अब इतने सारे हमारे होनहार लोगों ने गाना सुना दिया, ठीक है? कल सुनाता हूँ मैं आपको, मैंने एक गाना तो सुनाया था ना आपको, ओपेरा, ओपेरा सुनना है क्या मेरे को बताओ, ओपेरा फिर से सुनना है क्या, बोलो, अब भी सुनाता हूँ, अब भी। चलिए ओके, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, विल मिस यू, मिस मी टू, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, टाटा, लव यू गाइस, बाय बाय।